हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा नरूला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी फुल ऑफ वेजेस। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और बड़ों की भी फेवरेट होती है, तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में पानी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल मैक्रोनी लिया है। अब देखिए मैक्रोनी हमारी अच्छे से फूल गई है, हम इसको चेक कर लेते हैं। यस, ये गल चुकी है। अब चलिए इसका हम पानी निकाल देते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने का, इसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा भुन चुका है, अब हम डालेंगे ऑनियन। मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं, आप छोटे छोटे भी काट सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम कैप्सिकम और डन हम डालेंगे इसमें गाजर। इसको सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट हम अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग डालेंगे, मतलब जितनी हमारी वेजिटेबल्स हैं। फिर डालेंगे रेड चिली एंड ब्लैक पेपर। हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। थोड़ी सी ये पक चुकी है तो हम इसमें कॉर्न डाल देते हैं। कॉर्न को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं, बस 1 मिनट के लिए जैसे। अब ये देखिए हो चुकी हैं ये सब्जियाँ, थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं। हाँ, हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और साथ में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच पास्ता सॉस। आप घर में जो मोमोज वाली चटनी केवल बना लेते हैं ना, आप वो भी डाल सकते हैं। लाल चटनी जो होती है टमाटर और मिर्च की बनाते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसमें, और पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा से गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। अब हम डालेंगे इसमें जो हमारी उबली हुई मैक्रोनी है, इसमें डालेंगे साथ में चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनोस। अब हम डालेंगे इसमें नमक। पहले हमने थोड़ा नमक डाला था सब्जियों के अकॉर्डिंग, अब हम मैक्रोनी के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे ताकि पूरा मसाला मिक्स हो जाए। देखिए हमारा मसाला मिक्स हो चुका है, कलर भी आ चुका है मैक्रोनी में। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी कितनी अच्छी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टिफ़िन के लिए बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही यम लगती है और थोड़ा सा टोमेटो सॉस और जो हमने पास्ता सॉस डाला ना, उससे थोड़ी सी टैंगी हो जाती है। ये तो हमारी मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी है, अब आप इसको सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें।